अरे यार, पता नहीं कौन है, 3 दिन से परेशान कर रहा है। हेलो, अरे कौन बोल रहा है तू? मैं इंडियन हूँ, इंडियन। अरे तू इंडियन है तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी, समझा क्या? चिल्ला मत। चिल्लाऊंगा और जोर जोर से चिल्लाऊंगा साले, क्या कर लेगा तू? गर्दन उखाड़ दूंगा। अरे ऐसे कैसे गर्दन उखाड़ देगा, इधर आके देख, मेरे पास बंदूक है, बंदूक, वो भी बड़ी वाली। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। अरे भाई ये खिलौना नहीं, बंदूक है, मैं सच कह रहा हूँ। अपनी आंखें खोल और गौर से देख। अरे यार कैसे समझाऊं तुझे, चल छोड़, तू मेरी गर्दन उखाड़ना चाहता है ना, आ जाना कल बॉर्डर पे और मार देना मुझे, तुझ में दम हो तो। पहले मैं तेरे आदमियों को मारूंगा, फिर तुझे। अरे ऐसे कैसे मारोगे मेरे आदमियों को, कल परसों भी बॉर्डर पे किसी ने मेरे आदमियों को पीट पीट के लाल कर दिया, क्या तुमने मारा था उन्हें? हाँ हाँ मैंने मारा उन्हें, अगर वो भाग नहीं जाते तो उनके हाथ पैर तोड़ देता। अरे ऐसे थोड़ी होता है, एक तो बंटवारे के वक्त तुम हिंदुस्तानियों ने हमें कुछ नहीं दिया और ऊपर से हमारे आदमियों के हाथ पैर भी तोड़ोगे, अगर कुछ दिया हो तो बताओ तुमने। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। भाई रहने दे यार, अब क्यों बेइज्जती कर रहा है हमारे पाकिस्तान की? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। रहने दे भाई, वैसे देखा जाए तो तेरी भी कोई ज्यादा इज्जत नहीं है मार्केट में, मुझे पता है तू गुंडा है, तूने एक दिन में 3-3 खून किए हैं। 3 नहीं 4-4 खून किए हैं मैंने। हाँ अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, कल अदालत में जाके गवाही दूंगा कि तूने 4-4 खून किए हैं। मेरे खिलाफ गवाही देगा? अरे भाई गला छोड़, मर जाऊंगा मैं, छोड़ यार, क्या कर रहा है तू? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी छोड़ और तेरी सोच, तेरे खिलाफ गवाही देकर जेल भिजवाऊंगा तुझे, अगर जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिला तो। क्या चाहता है तू, क्या चाहता है? मुझे पैसे चाहिए, पैसे, वो भी बहुत सारे। साफ साफ बताओ कि क्या रकम चाहिए, 5 करोड़ 10 करोड़? 5-10 नहीं, मुझे 50 करोड़ चाहिए पूरे, और ये 50 करोड़ तू सिर्फ मेरे को देगा, हमारे बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए, ठीक है? ठीक है। लेकिन मान ले अगर किसी को पता चल गया और वो हमारे बीच में आ गया तो? हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। बिल्लू बच के रहना, बहुत डेंजर आदमी है ये। और हाँ मेरी दूसरी शर्त, आज तुझे मेरे साथ बैठ के दारू पीनी पड़ेगी। मैं शराब नहीं पीता। अरे ऐसे कैसे नहीं पीता शराब, मेरे साथ दारू पीनी पड़ेगी। चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। अरे ऐसे कैसे रफा दफा कर देगा, तुम हिंदुस्तानी हमेशा हम पाकिस्तानियों को मारने में लगे रहते हो, बहुत खून बहाया है तुम लोगों ने हम लोगों का। क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? हाँ बहाया तो था, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब आगे क्या करना है। मैं नफरत भुला चुका हूँ, आप भी भुला दीजिए। हाँ ये हुई ना बात, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।